एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएगी, पर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस सैर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि स्पेस वेदर बिगड़ने वाला है। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी कल्पना को लॉजिक की डोर से बांधे रखेंगे, ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर सकें। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत हमारी प्यारी पृथ्वी से होती है। हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं, वह करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चलें, तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में, लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चलें, तो हमें सूर्य तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है यानी मिल्की वे, वह खुद अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरब तारों का घर है, और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रूव, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा, और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। लेकिन प्रकाश से तेज गति संभव ही नहीं है, इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से आसानी से मिल्की वे के बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारे यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन सभी गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। हम एक संभावना जता सकते हैं कि इतने अरबों गैलेक्सीज में एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो और जहां हमारी तरह जीवन भी हो। अगर हम और आगे चलें, तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सीज मौजूद है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहां आकर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। सवाल यह है कि जहां पर हम खड़े हैं, क्या वह यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है, यानी इससे बाहर कुछ नहीं बल्कि यह यूनिवर्स खुद अनंत है, या फिर इसके आगे और भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं यानी मल्टीवर्स?
वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा है तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड जहां बुलबुलों के जैसे दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत में तैर रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावना सीमित क्षेत्र में होती है, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप सिर्फ ये सोचकर रह जाते हो कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं। लेकिन आज आप अनंत को फील करने वाले हैं कि इसका असली मतलब क्या है। यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद होंगी। न सिर्फ दिखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी देश मौजूद हो। जैसी रियलिटी पृथ्वी पर है, चाहे वो हर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी हो, वैसी अनंत पृथ्वियां वास्तव में होंगी जिनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह आपसे मिलती हो। मतलब न सिर्फ आपसे दिखने में समान बल्कि उनकी जिंदगी में भी वो ही चल रहा हो जो आपकी जिंदगी में है। लेकिन इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी भी अनंत में मौजूद होगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हो तो इस अनंत में कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन उस मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा है। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव, क्योंकि किसी यूनिवर्स में आपका ही एक डिफरेंट वर्जन उसे अचीव कर पा रहा है। अनंत की एक दूसरी सच्चाई है कि आपके ही जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन अनंत में मौजूद होंगे। यानी आपके छोटे, बड़े, लंबे और पतले वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है कि आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर है तो किसी यूनिवर्स में एक्टर। इस तरह आपकी ही अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। अनंत का एक और सच ये है कि जिन फिल्म्स को आप देखते हैं और जिनमें बताया जाता है कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, वह अनंत में जाकर सच हो सकती है। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं किसी दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकती है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को आपने पढ़ा है वह इतिहास कहीं किसी अनंत दूरी पर मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घटित हो रहा है। यानी अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटीज का एग्जिस्ट करना। यहां आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं ना कहीं इसी समय एक साथ अस्तित्व में है। यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं पर प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो कहीं किसी अनंत कोने में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें अनंत ब्रह्मांड में जीवन की, तो न सिर्फ अनंत में जीवन होगा बल्कि विचित्र प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ भी अनंत में मौजूद होगी। क्योंकि हमारी धरती पर जिस तरह लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है उसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में इवोल्यूशन ने विचित्र प्रकार के जीवों को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह भी होगा जहां चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों में इंटेलिजेंस न हो, या फिर एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जहां गधे में इंटेलिजेंस हो, क्योंकि अनंत में हर संभावना मौजूद होगी। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी होंगे जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिनके सोचने की क्षमता हमसे काफी अधिक और काफी तेज हो, जिस वजह से वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि वो अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हो या एक गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसे जीवों ने समय को भी समझ लिया होगा और वे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली तो वे टाइम ट्रेवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को सत्य साबित करता है। इनमें कुछ विचित्र संभावनाएं जिन्हें आप सोच सकते हैं वो हकीकत में घटित होगी। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हो, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते
जहां मैटर की जगह उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी मौजूद हो। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड रैंडमनेस चलते अपने आप पैदा हुआ है, और ऐसे में इस रैंडमनेस की वजह से कुछ ऐसे यूनिवर्स भी पैदा हुए होंगे जहां कांस्टेंट भी हमारे यूनिवर्स से अलग हो, जिस वजह से वहां के नियम भी इस यूनिवर्स से अलग होंगे। तो ऐसे में अनंत ब्रह्मांड में ऐसे विचित्र यूनिवर्स भी हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की एक सीमा होगी, क्योंकि ये एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम में पैदा हुआ है, लेकिन यह भी एक अनंत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकता है जिसे हम पूरा यूनिवर्स मान बैठे हो। इसलिए वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एक अनंत ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होगा, बल्कि यह हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर की भी कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह एक सेल्फ सस्टेंड एग्जिस्टेंस का हिस्सा होगा। लेकिन अब एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान किस वजह से मौजूद है? आखिर हम यहां क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमारा मकसद क्या है? इस अनंत के सामने अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इसके होने का मकसद क्या है? हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं, ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर ये मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है, जैसे एलन मस्क, जिनका मानना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अब तक कहीं बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइफ नहीं मिली है। ऐसे में क्यों ना हम पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को ही आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि लाइफ को नष्ट करने कोई एस्टेरॉयड आ जाए या किसी कैटाकलिज्मी इवेंट में हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए क्यों ना लाइफ को ही मल्टीप्लेनेटरी बना दिया जाए और हम सब अलग अलग ग्रहों पर रहने लग जाए, ताकि हम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक फैला दें। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें इस सवाल का पूरा जवाब नहीं मिलता कि आखिर हम यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आखिरकार एक दिन हमें भी खत्म होना ही है, लेकिन मल्टीवर्स हमेशा रहेगा। इसीलिए हम इस मल्टीवर्स में क्यों हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एक ना एक दिन हम ये जानकर रहेंगे कि हम इस यूनिवर्स में किस लिए हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में घूमते रहिए, क्योंकि हम सब हैं वोयाजर्स। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।